तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों, कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में असदुद्दीन उवैसी की रैली हुई रद्द। पश्चिम बंगाल पुलिस ने रैली करने की उवैसी को नहीं दी इजाजत। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नाइट संशोधन कानून को लेकर केरल से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। केरल सरकार ने किया ऐलान, चुनाव से पहले ही CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामले सभी होंगे वापस। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आज से लागू हुआ लव जात कानून, 10 साल तक की होगी सजा, धोखा देकर कराया धर्म परिवर्तन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मोदी पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने मोदी को बताया दुनिया का सबसे बड़ा दंगेबाज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, किसानों के बाद अब देश के व्यापारियों ने कल पूरे भारत को बुलाया है बंद, GST के नियमों का करेंगे विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान संगठनों ने लिखा रामनाथ कोविंद को पत्र, गिरफ्तार किसानों की बिना शर्त रिहाई की है मांग। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों, कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन उवैसी की रैली हुई रद्द। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उवैसी को रैली करने की नहीं दी इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की AIMM के प्रमुख असदुद्दीन उवैसी की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज एक रैली होने वाली थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने असदुद्दीन उवैसी को रैली करने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से आज असदुद्दीन उवैसी को पश्चिम बंगाल में अपनी रैली को रद्द करना पड़ा है। पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि असदुद्दीन उवैसी मुस्लिम बहुल्य मोतियाबुर्ज इलाके में रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार अभियान का आगाज करने वाले थे। AIMM के प्रदेश सचिव जमीर उल हसन ने बताया है कि पुलिस ने रैली के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि MIM पार्टी ने बताया है कि हमने इजाजत के लिए 10 दिन पहले आवेदन पश्चिम बंगाल पुलिस को दिया था, मगर आज हमें पुलिस ने सूचित किया है कि वे हमें रैली करने की इजाजत नहीं देंगे। हम TMC के ऐसे हथकंडों के आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हम चर्चा करेंगे और अगली बार फिर से असदुद्दीन उवैसी पश्चिम बंगाल में आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि उवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने TMC पर आरोप लगाया है कि TMC ने असदुद्दीन उवैसी को बंगाल में रैली करने से रोका है और उन्हें इजाजत नहीं दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोलकाता में उवैसी के आने से ममता की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और ममता ने आज उवैसी को बंगाल में रैली करने नहीं दिया। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा केरल से तगड़ा झटका। केरल सरकार ने किया ऐलान, चुनाव से पहले ही CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामले सभी लोगों के होंगे वापस। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। केरल सरकार ने ऐलान किया है कि केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान जो लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं, जो भी केस लोगों पर लगे हैं, वे केस सारे हम वापस लेंगे। केरल सरकार के फैसले के बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जहां पर लगभग 500 लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही यह बड़ा ऐलान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयनन ने किया है और उन्होंने कहा कि जिन किन्हीं पर भी CAA के विरोधी प्रदर्शन के दौरान दर्ज जो केस हुए हैं, उन सभी को केरल सरकार वापस लेगी और उन्हें बाइज्जत बरी करेगी। तो वहीं बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर हम CAA कानून को केरल में लागू नहीं होने देंगे। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में लव जिहाद पर पास हुआ कानून, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने पर होगी 10 साल तक की कैद की सजा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन विधेयक आज पास हो गया है। यूपी में धोखा व झांसा देकर या गलत वादा करके धर्म परिवर्तन कराना अब गैर जमानती अपराध की श्रेणी में यूपी में आ गया है। धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
वहीं आपको बता दें कि बुधवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ध्वनि मत से ही इस बिल को पारित कर दिया और ये अब कानून बन गया है। वहीं आपको बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़की के धर्म परिवर्तन करने से पहले 2 महीना पहले डीएम को इसकी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद डीएम इसकी तहकीकात करेंगे और उसके बाद ही ये शादी हो सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की। वहीं विपक्ष ने भी लव जिहाद कानून पर पास हुए इस विधेयक का जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन योगी सरकार ने ध्वनि मत से ही इसे विधानसभा में पास करा लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान संगठनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र, गिरफ्तार किसानों को बिना शर्त रिहाई की है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा भी हुई थी और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग 122 किसानों को गिरफ्तार भी किया है। अब इन्हीं किसानों की रिहाई को लेकर किसान संगठनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है और जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें बिना शर्त की रिहाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किए गए किसानों की बिना शर्त रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज झूठे मामलों को वापस लेने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने चिट्ठी में ये भी कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को कथित रूप से पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा भेजे जा रहे नोटिसों को भी रोका जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि किसानों के संगठनों ने कहा है कि प्रदर्शन करना हमारा हक है और हम पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा झूठे मुकदमे हमारे किसान नेताओं पर लगा रही है और उन्हें जेल में डाल रही है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है जिससे कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें। वहीं किसानों ने कहा कि राष्ट्रपति तत्काल इस पर एक्शन लें और जो हमारे किसान गिरफ्तार हुए हैं उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए और जो भी उन पर केस लगाए हैं उनको भी वापस लिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, किसानों ने राष्ट्रपति से ये बड़ी मांग कर दी। अब देखते हैं राष्ट्रपति इस पर क्या एक्शन लेते हैं। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला सीधा हमला, मोदी को बताया देश का सबसे बड़ा दंगेबाज। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने मोदी को सबसे बड़ा दंगई बता डाला है। इतना ही नहीं ममता ने कहा है कि पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी खराब किस्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। ममता ने शाहगंज में एक रैली में कहा कि मोदी और शाह पूरे देश में झूठ और नफरत फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े दंगेबाज हैं और ट्रंप के साथ क्या हुआ मोदी का भाग भी बदतर हो जाएगा, हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान गोल कीपर बनूंगी और भाजपा एक भी गोल नहीं कर पाएगी। वहीं ममता ने कहा है कि सीबीआई ने उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को जो सम्मन जारी किया है वह बंगाल की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा है कि बंगाल पर गुजरात शासन नहीं करेगा, मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे, बंगाल पर गुंडे और बदमाशों का राज नहीं मैं होने दूंगी और बंगाल पर सिर्फ बंगाली लोग ही राज करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़े हमले आज मोदी पर ममता बनर्जी ने बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जीएसटी के विरोध में पूरे देश में कल भारत बंद करेंगे व्यापारी, मोदी अमित शाह के छूटे पशु ने। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि व्यापारी संगठनों ने जीएसटी के नियमों के विरोध में कल पूरे भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि व्यापारी लगातार मोदी सरकार से जीएसटी के नियमों में हाल ही में हुए संशोधन को लेकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर मोदी अमित शाह ने जीएसटी के नियमों में संशोधन करके जो कर लगाया है उसे वापस नहीं लिया तो वह ऐसे ही पूरे देश में धरना देंगे। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी कल पूरे भारत को बंद करेंगे, रेल ट्रेनों को भी रोकेंगे और सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब व्यापारी भी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कल व्यापारी पूरे देश में भारत बंद करेंगे। इसी बीच बताओ दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोकी सपा सांसद आजम खान की पेंशन। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सपा सांसद आजम खान को मिलने वाली लोकतंत्र सेनानी पेंशन पर योगी सरकार ने आज रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि डीएम का कहना है कि ये फैसला उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के चलते उत्तर प्रदेश की
की योगी सरकार ने लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा शासन ने देश में आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देते हुए पेंशन शुरू की थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 2005 में पेंशन प्रणाली लागू हुई थी। पहले रामपुर जिले में 37 लोगों को ये पेंशन मिलती थी, लेकिन जिसकी संख्या अब 35 हो गई है। शुरू में पेंशन राशि प्रतिमाह 500 रुपए थी, जो बढ़कर अब 20,000 हो गई। तो किस तरह से योगी सरकार आजम खान का सब कुछ बिगाड़ने पर तुली हुई है, आपकी क्या राय है दोस्तों, वीडियो में हमें कॉमेंट करके बताएं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पांडुचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार, शिवसेना बोली महाराष्ट्र में भी गिराना चाहती है भाजपा हमारी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधते हुए पांडुचेरी में सरकार गिराने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। शिवसेना ने कहा है कि पांडुचेरी में उपराज्यपाल के पद पर तैनात किरण बेदी ने नारायण स्वामी सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया। पार्टी ने मुखपत्र सामना में लिखा है कि बीजेपी ने छोटा राज्य भी कांग्रेस के हाथ से छीन लिया है। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी अब मार्च अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा ने गिराई, उसके बाद पांडुचेरी की भी सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी ने गिराई, और अब अगली बार महाराष्ट्र की घोषणा भाजपा करने वाली है, और महाराष्ट्र में भी अब भाजपा शिवसेना की सरकार गिराएगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अब सरकार नहीं गिरने देंगे, लेकिन भाजपा की ये साजिश हम देश में अब नहीं चलने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पांडुचेरी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अब जो है उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार खतरे में दिख रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से उठाया कश्मीर का मुद्दा, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की ने एक बार फिर से पाकिस्तान का साथ देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की परिषद के बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार को घेरा है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुट कावुसोलु ने मानव अधिकार परिषद के 46वें सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, और वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों में ढील प्रदान करे। हम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर जम्मू कश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से वहां के लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से हल में देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एर्दोगान ने खुले तौर पर मोदी सरकार का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर का समर्थन किया था और जो अनुच्छेद 370 हटाया है इसका भी विरोध किया था, लेकिन अब फिर से एक बार कश्मीर के मुद्दे पर एर्दोगान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और अब मोदी सरकार को तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से घेरा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बुरी तरह से मोदी अमित शाह तुर्की से घिरे हुए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में कोरोना का टीका लगवाने के बाद एक महिला की हुई मौत, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक 60 वर्षीय महिला कर्मचारी की कोरोना टीके के दूसरी खुराक लेने के कुछ घंटे बाद मौत हो गई है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से महिला की मौत के सही कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यूज एजेंसी के अनुसार बड़वानी जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनिता सिंगारे ने बुधवार को बताया कि स्वास्थ्य विभाग की लिपिक रजनी सेन को मंगलवार दोपहर कोरोना के टीके की खुराक लगाई गई थी। इसके बाद रात में उनकी हालत बिगड़ गई और देर रात यहां एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान रजनी की मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कर 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इससे पहले भी कोरोना का टीका लगवाने से मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार से पर भी सवाल उठे थे और कहा था कि लोगों को अच्छे तरीके से टीके नहीं लगाए जा रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।